हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पंडित जी पर। मेरा नाम है हरि प्रकाश। अपनी मॉर्निंग में डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की डेली क्लासेस होती हैं, जिसमें आने वाली जो भी एग्जाम महत्वपूर्ण एग्जाम है, बैंक, रेलवे, SSC, व्यापम हो गया, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम, सभी के लिए करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो उसी के लिए हम करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं डेली। तो होप कि आप लोग डेली वीडियोस देख रहे होंगे, और अगर आप लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली जो आज की न्यूज़ है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जामनगर के गुजरात में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक संस्थान समूह को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया है। मतलब एक आयुर्वेदिक जो विश्वविद्यालय है उसको एक दर्जा दिया है। इससे क्या होगा, जैसे IIT हो गया, एम्स हो गया, तो ये बड़े लेवल के जो संस्थान है उनमें ये शामिल हो जाएगा। ठीक है, इसको एक अलग महत्व दिया जाएगा, वहां से बहुत सारी चीजें इसके लिए अलग से की जाएंगी। केंद्र सरकार ने 1656 किलोमीटर लंबी इंद्रधनुष प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना के लिए 5,559 करोड़ रुपए की अनुदान राशि को मंजूरी दी है, है ना। तो 1656 किलोमीटर लंबी इंद्रधनुष प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना चल रही है, है ना। ये 8 राज्यों में चल रही है। अब इसमें क्या है कि इससे ईंधन की जो ईंधन होता है उसकी बचत होगी, बेसिकली गैस का जब यूज किया जाएगा। ठीक है, अब ये किसके तहत प्रदान की जाएगी, ये राशि जो है वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF के तहत प्रदान की जाएगी। अब इसमें 8 राज्य कौन से शामिल हैं, वो हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। ठीक है, अगला है कि पूर्व प्रधानमंत्री एवं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SDP के नेता जोरान मिलनोविच ने क्रोएशिया का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। ये पहले भी थे वहां के और अभी राष्ट्रपति बन गए हैं। कौन? जोरान मिलनोविच। तो आपको याद रखना है कि क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति अभी कौन बने हैं, जोरान मिलनोविच। क्रोएशिया की राजधानी है जागरेव और यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो है क्रोएशियाई कुना, और यहाँ के प्रधानमंत्री है अंद्रेज प्लेंकोविक। ईरान के तेहरान में 176 यात्रियों को ले जा रहा यूक्रेनी का बोइंग 737 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, मतलब क्रैश हो गया वहां का विमान, है ना। तो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ये याद रखिएगा, ईरान की राजधानी अभी क्या है, तेहरान, और वहां की करेंसी है रियाल और राष्ट्रपति है हसन रूहानी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे औरंगाबाद में एडवांटेज महाराष्ट्र एक्सपो 2020 का उद्घाटन करेंगे। एक तरीके से वहां पे कार्यक्रम, एक सम्मेलन होगा, एक कार्यक्रम होगा, उसका नाम क्या है, एडवांटेज महाराष्ट्र एक्सपो। ठीक है, इस प्रदर्शन का जो आयोजन है किसके द्वारा किया जा रहा है, ये किया जा रहा है मराठावाड़ा एसोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर द्वारा किया जा रहा है। तो माशिया MASSIA, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। ए शक्तिवेल को वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय परिधान निर्यात संवर्धन परिषद APEC APEC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा कि APEC का नया चेयरमैन कौन बने हैं, ए शक्तिवेल, ठीक है, 2020-21 के लिए। और अभी ये किसको रिप्लेस करेंगे, ये करेंगे HKL मग्गू को। ठीक है, APEC की स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, उसका हेडक्वार्टर जो है ये गुड़गांव हरियाणा में है, गुरुग्राम में। भारतीय स्टेट बैंक ने मकान खरीदार गारंटी के साथ आवासीय बिल्डर ऋण योजना की शुरुआत करी है। ये ऋण क्यों चालू किया गया, ताकि लोगों को एक तरीके से भरोसा वापस आए और वो लोन ले सके घर खरीदने के लिए। चेयरपर्सन अभी चेयरमैन कौन है, SBI के रजनीश कुमार, और उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, उसकी स्थापना जब हुई थी, एस्टेब्लिश ईयर है 1 जुलाई 1955। भारतीय मूल की जसबिंदर बिलन को ब्रिटेन द्वारा प्रसिद्ध कोस्ट्रा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 प्रदान किया गया। अब यह अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, जो उपन्यास वगैरह लिखे जाते हैं, है ना, उसके क्षेत्र में दिया जाता है। तो भारतीय मूल की है जसबिंदर बिलन, इनको मिला है 2019 का कोस्ट्रा चिल्ड्रन अवार्ड। अब ये कौन से उपन्यास के लिए, उनका उपन्यास का नाम क्या है, उसका नाम है आशा एंड द स्प्रिट बर्ड। तो आपको इसका नाम भी याद रखना है। महाराष्ट्र के पुणे में एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस का पांचवा एडिशन आयोजित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि पुणे में आयोजित किया जाएगा, ये है APDRC5, एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस, कहाँ आयोजित किया जा रहा है, महाराष्ट्र के पुणे में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, और राजधानी है मुंबई। भारतीय प्रवासी दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, आपको पता ही है। अब यहाँ पे एक चीज है कि कौन सा भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है, ये मनाया जा रहा है 16, 2003 से इसकी शुरुआत हुई थी। और बेसिकली क्यों मनाया जाता है कि जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी वापस इंडिया आए थे, तब से उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, है ना। और ये आयोजन किसके द्वारा होता है, विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय कौन है, विदेश मंत्री अभी कौन है, सुब्रमण्यम शंकर।
भारतीय महिला वेटलिफ्टर हैं एक सरबजीत कौर, इनको क्या है कि नाडा द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है क्योंकि इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया, डोपिंग वगैरह में फंस गई हैं, तो जिसकी वजह से 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। वेटलिफ्टर हैं सरबजीत कौर, भारत की हैं। नाडा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये इंडिया की है। नाडा के जो भी CEO हैं वर्तमान में वो हैं नवीन अग्रवाल, और इसकी स्थापना की गई थी 24 नवंबर 2005 को। नाडा का जो हेडक्वार्टर है ये है नई दिल्ली में। ठीक है, आज के लिए इतनी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी और न्यूज़ थी पर एक्चुअली जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहती मैं वही आपके लिए यहाँ पर लेकर आता हूँ कि जो आपके एग्जाम में सभी एग्जाम में आए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती कि 2-4 दिन के लिए इंपॉर्टेंट है अभी करंट में, पर वो चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहती। ठीक है, बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।